रेस्टोरेंट पे और ये इनके ऑनर है और हम लोग इनसे पूछेंगे कुछ। तो मेरा नाम खजर सैयद है, आई एम द ओनर ऑफ चाय चनक रेस्टोरेंट इन न्यू ब्रंसविक न्यू जर्सी। और ये काफ़ी हमारा डिफरेंट रेस्टोरेंट है, ये सिंधी और बलोची कुजीन पे हम लोग फोकस करते हैं, जो कि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में आई डोंट थिंक कोई रेस्टोरेंट है जो ये वाला कुजीन सर्विस करता है। तो हम लोगों ने इसी को नज़र में रखते हुए ये रेस्टोरेंट बनाया है और काफ़ी आर्टिस्टिक रेस्टोरेंट है सारा। इसमें मैंने ओरिजिनल आर्ट जो कि मेरा अपना स्टूडियो है कराची में उससे बना हुआ ये सारा आर्ट वर्क है। और हमने सूफ़ी कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये रेस्टोरेंट बनाया है, जिसमें हम सूफ़ी कल्चर, आर्ट और फूड जो पाकिस्तान का है, स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान के इलाके का, वो प्रमोट करें। रेस्टोरेंट बनाया है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं और दूर दूर से आते हैं इधर खाना खाने और कल्चर को देखने के लिए और फुल हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस करने। इसमें मेन्यू आप बता सकते हैं कि क्या क्या है? जी, हमारे पास काफ़ी स्पेशलिटी आइटम्स हैं इधर। हमारा जो बहुत फेमस यहाँ पे चलता है वो है कराची साइल बन कबाब है हमारे पास, जो कि बहुत पॉपुलर है इधर। फिर हमारे पास कढ़ाइयों में यहाँ पे बहुत पॉपुलर है बलोची टिक्का कढ़ाई, चर्सी कढ़ाई और नमकीन गोश्त जो कि मटन में बनता है। और हमारे पास काफ़ी आइटम्स स्पेशलिटी में होते हैं, जैसे बलोचिस्तान सच्ची हो गया वो हम यहाँ पे बनाते हैं, मछली बनाते हैं पल्ला, सिंधी मछली होती है ये जो सिंध में ही पाई जाती है और वहाँ की ये सौगात है, तो हम ये यहाँ पे लोगों को पेश करते हैं। अच्छा, तो हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि जी ये एड्रेस बता सकते हैं ताकि लोग आएँ और इन्जॉय करें? जी बिल्कुल, तो एड्रेस है चाय चनक रेस्टोरेंट, जॉर्ज स्ट्रीट, न्यू ब्रंसविक न्यू जर्सी। और हम लोग डाउनटाउन न्यू जर्सी न्यू ब्रंसविक में हैं और ये बहुत पॉपुलर स्ट्रीट है जॉर्ज स्ट्रीट। हमारे पास आउटडोर डाइनिंग भी है और इनडोर डाइनिंग भी ओपन है अभी 25%, तो बाय रिजर्वेशंस ओनली। तो आप प्लीज़ अगर आना चाहते हैं तो रिजर्वेशन करें और बिल्कुल आएँ और इन्जॉय। मेरा स्टूडियो है कराची में, तो ये आर्ट वर्क सारा अपने स्टूडियो में मैं बनाता हूँ और ये सारा डिफरेंट है। ये जैसे ये चीज़ें, ये लाल शहबाज कलंदर जो मज़ार है बहुत फेमस है, ये झूले लाल सरकार के ये वो हैं जो ट्रिब्यूट पेश करते हैं वो है। ये सब चमक पट्टी का काम है, ये आपने कराची में देखा होगा W11 बस चलती है उसमें ये चमक पट्टी लगती है। ये जो पैच वर्क है ये मिट्टी, खैरपुर, मीरठ और पीर जो गोट के इलाके में ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, जो ये ओरिजिनल हैंडमेड वर्क है सारा। तो ये हम काफ़ी चीज़ें, सब चीज़ें मैं पाकिस्तान से लेके आता हूँ लोगों को दिखाने के लिए। ये कुछ पीसेज लगे हुए, थर पार्कर का पीस है, थर पार्कर जो पाकिस्तान का डिज़र्ट है उसके अंदर ये वाला काम किया जाता है। ये बलूचिस्तान के हैं ये जो आर्ट पीसेस बलूचिस्तान के पे, वो मिनी ट्रक्स और रिक्शे चैनक रखी गए वो मिनी ट्रक्स वगैरह, ये कराची और ये पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान के तो फेमस है जो छोटे, तो ये ट्रक के मॉडल रखे हुए लोगों को दिखाने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा, हम लोग मेन्यू देखेंगे कि अभी क्या हम लोग ऑर्डर करेंगे। ये मेन्यू है जी, तो अभी हम लोग करेंगे ऑर्डर जी चर्सी कढ़ाई, यहाँ की फेमस चर्सी कढ़ाई है, वो मुझे बता रहे थे कि फेमस है तो हम लोग ऑर्डर करेंगे और साथ में रायता और नान ऑर्डर करेंगे। तो लेट्स सी देखें कैसा है। तो मैं अभी इसको ट्राई करूँगा, तो इसके बाद हम लोग रायता भी ट्राई करेंगे जी। Thank you.
सुपर लेमन और ये मेरी पसंद के नान है जी, ये सब पाकिस्तान में बोलते हैं जी तिलों वाले नान। ये जी चरसी कढ़ाई बहुत अच्छा टेस्ट है जी इसका, मतलब अमेरिका में बैठे न्यू जर्सी में आपको पाकिस्तानी टेस्ट आएगा। नहीं जी अभी मेरी चाय आ गई है, दूध पत्ती चाय, और अभी मैं इसको ट्राई करूँगा। ये जी दूध पत्ती, ये जी दूध पत्ती अभी ट्राई करेंगे। अच्छा ये दूसरी जी ग्रीन, subscribe to my channel and also press this bell icon.